देखिए हालत तो खराब है, हम लोग सवेरे से कई मोहल्लों में गए हैं। एक जो संतोष की बात है और भरोसे की बात है और गर्व की बात है कि यहाँ के लोगों ने निकलकर मामला अपने हाथ में लेकर सुलझाया है। किसी भी धर्म समुदाय के लोगों, किसी ने पड़ोसी को बचाया, किसी ने गली को बचाया, किसी ने मोहल्ले को बचाया, और हर जगह से एक ही खबर आ रही है कि अगर दंगाई सड़क पर है तो दंगाई से ज्यादा दिल्ली पुलिस सड़क पर है, दंगा कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये रूप मुझे नहीं लगता है किसी ने सोते हुए जागते हुए कभी सोचा होगा कि इस तरीके की पुलिस इस शहर में आ सकती है। बिल्कुल एक तरीके से गुंडों का रोल उन्होंने अपनाया है। इस समय भले ही हेकड़ी भर रहे हो कि हम शांति ले आए हैं, इनका शांति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ के शांति स्थापित की है हर जगह पर, ना कहीं मुझे कोई राजनीतिज्ञ दिखा, ना मुझे कोई दूसरा व्यक्ति दिखा। यहाँ के लोगों ने ही इस प्रजातंत्र को सच्ची में संभाला है, और सलाम करता हूँ मैं यहाँ के लोगों का। और क्या यहाँ की प्रशासन करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जान सकता हूँ, इतनी पंगू, इतनी निकम्मी, इतनी नाकाम और इतनी नीरस दिल्ली और भारत की सरकार मैंने नहीं देखी है। दिल्ली सरकार वाले भी कहते हैं साहब पुलिस हमारे पास नहीं, तो मैं तो सवाल पूछता हूँ ना, सिविल डिफेंस के 18,000 अधिकारी कहाँ हैं, होमगार्ड के अधिकारी कहाँ हैं? आपके पास आपने 5,000-6,000 लोग मार्शल लगा दिए बसों में, उनको बुला के भेज देते, अरे कोई तो घूमता, 5 आदमी बसते, 20 जाने गई हैं, 2 जाने बसती, 10 जाने बसती, जिस तरीके का यह माहौल देख रहे हैं कि आप सुधार नहीं सकते, और अगर नहीं सुधार सकते हैं तो किस तरीके की आप लोगों के बीच में आके वोट मांगते रहे? सर सुबह सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है जी, कांग्रेस के लोग उसमें बैठे थे, क्या डिसाइड हुआ वहाँ पे? क्या देखिए वो मुझे मालूम नहीं, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन खबर ये आई है कि शायद ये लोग एक शांति मार्च भी कर रहे हैं, और सोनिया जी ने मेरे ख्याल से कहा है कि नहीं गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसमें तो मैं समर्थन करता हूँ। देखिए हो सकता है इलाके में दंगा हो, पुलिस कुछ ना कर पाए, कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पुलिस का, दिल्ली पुलिस का बर्ताव रहा है, पुलिस लेट आई है, जो बाहर की पुलिस आई है उसका भी जो भी बर्ताव दिख रहा है, ये लोगों को कहीं ना कहीं से या तो ऑर्डर मिला है या खुद इनका डिसिप्लिन है, कि दंगाइयों के साथ बढ़ चढ़ के इन्होंने लोगों को मारा है, पीटा है, लोगों की दुकानों को चिन्हित किया है। आज दिल्ली में अगर दंगा किसी ने किया तो दिल्ली पुलिस ने किया, और कौन है भी दिल्ली पुलिस के मुखिया, तो उसका नहीं अगर इस्तीफा मांगे तो किसका मांगे? संदीप जी आपको नहीं लग रहा जैसे गोधरा के अंदर हुआ था कि वहाँ भी 48 घंटे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लोग पुलिस को बुलाते रहे, एम्बुलेंस नहीं करते? यहाँ भी वहाँ तो गोधरे के, गोधरा अलग है, गुजरात में उसके बाद जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है, और दोनों में एक तरीके से प्रशासन की तरफ से काम नहीं हुआ। जब गुजरात में दंगे हुए थे तो 8 या 9 दिन बाद फौज बुलाई गई थी, अहमदाबाद की छावनी में फौज इंतजार करती रही, वहाँ के जनरल का या कर्नल का स्टेटमेंट है कि हम इतनी देर इंतजार करते रहे, कोई हमारे पास, और ऑर्डर देने के बाद जब वो आई उसके बाद डिप्लॉय नहीं हुई, तो वहाँ की तो खैर कहानी चेत परिचित है, यहाँ भी वही है। एक चीज मुझे लगता है शायद इन्होंने सीख ली गुजरात से कि 2-4 दिन के दंगे में राजनीतिक रोटी आप सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उस तरह के कत्लेआम करें। तो 2-3 दिन हो गए जब इनको लगा कि राजनीतिक फायदा पूरा हो गया है, तो पुलिस ने कह दिया ठीक है घूमो, लेकिन ये एक चीज नहीं समझ पाए कि पूर्वी दिल्ली की जनता इनसे ज्यादा तेज है, देश में भाईचारे में, समाज में, एकता में, शांति में ज्यादा विश्वास करती है। तुम कितना भी भड़का लो, तुम लोगों के बीच में दरारें नहीं बना पाओगे, अपने आप से इनकी बनाई हुई दरारों को पाट के पूर्वी दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई है और शांति स्थापित की। संदीप जी ये मुद्दा कांग्रेस संसद में उठाएगी? बिल्कुल सर, अब जब आएगी मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख के बाद संसद चलेगी, ये तो उठाना ही पड़ेगा, भारत सरकार का एक अंग है दिल्ली पुलिस, और जब दिल्ली पुलिस ही गुंडागर्दी करे तो फिर संसद में नहीं उठेगा तो मसला कहाँ उठेगा।